और जो दुल्हा है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जो उनका जो कल्चर है वो भी आपको दिखाते हैं। सारे बैठे हैं बड़े घोटना नहीं दे माने घोट मथे करे हुए ना माने। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी मीठा है या कड़वा है? थोड़ा सा कड़वा है, कड़वा पानी है। बड़ी झोपड़ी ये इस साइड में झोपड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है खुश और खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ एक और न्यू ब्लॉग में। इस वक्त एक सफ़र की तरफ, एक गांव की तरफ और हम जा रहे हैं। मैं अकेला हूँ, अकेला जा रहा हूँ। शादी है तो शादी की जो दावत है वो अटेंड करने जा रहा हूँ। एक गाँव में है, ऑफ रोड भी है, देखते हैं आगे सीन क्या होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। आज का जो ब्लॉग है वो मज़ेदार होने वाला है, देखते हैं क्या होता है आगे, जो सीन होता है वो क्या होता है, जो गांव में जो शादियां होती हैं वो किस तरीके से शादियां होती हैं वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। उस काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी आपको। तो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और चलो आए आप विज़िट करते हैं शादी। खुश हो तैयार? हाँ, ऐसे जो मैं खास तौर तो शादियों में जाता तो हूँ मगर रिकॉर्डिंग तो नहीं करता, कि ये जो गांव की जो शादियाँ होती हैं उनमें जो पुराने जो लोग हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं, जो पुराना कल्चर है जैसे पकड़िए पाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो पुराना कल्चर है उस हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो इस हिसाब से मैंने समझा कि ये रिकॉर्ड करूं और आपको भी दिखाऊं। बारिशें होती है तब तो थर भर कर मुकम्मल एक ग्रीन हो जाता है, तब तो मज़ा ही अपना होता है। और अब तो बारिश है ज़ाहिर ही, अब हुई थी बारिश है, मैं लंगर पार कर गया तब बारिशें हुई। मज़ेदार जो वीडियोज़ हैं वो बनाता हूँ, तो एंजॉय करें सफ़र को, हम भी एंजॉय करते हैं आपको भी एंजॉय कराते हैं। तो भाई ऑफ रोड आ गया है, तो इसमें टायर की जो हवा है वो हमें कम करनी होगी, ठीक है। तो जो ऑफ रोड में वो सही चलेगी, देखते हैं कितनी कम करें जो टायर ना पंचर हो दोबारा। तो उस हिसाब से ठीक है, इतनी काफ़ी है, सही है, ये चल जाएगा। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे, मगर ऑफ रोड है, चलो आए कुछ अगर सीन रिकॉर्ड हुए तो हम आपको दिखाएंगे। तो भाई रास्ता बड़ा मुश्किल था, इस हिसाब से कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, मगर अब कुछ रास्ता सही क्लियर आ गया है तो आपको दिखाते हैं। मैंने काफ़ी तेज़ भगाई थी बाइक देखिए पूरा डेजर्ट डेजर्ट है। अभी एक हाथ में चला रहा हूँ, आगे कुछ रोड रास्ता बड़ा मुश्किल आ चुका है। ऐसे रास्ते के लिए 125 बाइक लाजमी चाहिए होगी, ठीक है, और किसी के बस की बात नहीं है। मगर यहाँ के जो लोग हैं वो CT70 है, वहाँ उस बाइक पर तकरीबन 3 या 2 लोग उठाकर फिर भी लेकिन 40-50 से स्पीड में जाते हैं यहाँ से इस ऑफ रोड पर, मगर मुझसे नहीं ये चलाई जाती बाइक। मुझे लगता है भाई देखें पूरा जंगल ही जंगल है, जंगल के बीच में ये रास्ता है और मैं जा रहा हूँ, पूरा जंगल है। तो मुझे लगता है गांव आ चुका है, मुझे लगता है मैंने गाड़ियां देखी है और घर भी देखे हैं, देख रहा हूँ तो घर आ चुका है, जो गांव आ चुका है, सॉरी डानी है ये, वो आ चुकी है, डानी गोमते की डानी है वो आ चुकी है। और यहाँ पर वो शादी है, वो विज़िट करते हैं, हमें दावत दी गई थी तो चलो चलते हैं, वो विज़िट करते हैं, आपको दिखाते हैं उनका कल्चर। तो हम दावत पर पहुँच चुके हैं, चाचा मूर्ति दूल्हा है और जो दूल्हा है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जो उनका जो कल्चर है वो भी आपको दिखाते हैं। सारे बैठे हैं बड़े और दूल्हा भी बैठा है, चलो उनसे बातें सीधे करते हैं। उसके अलावा यहाँ जो शादी है उनमें जो बच्चे डांस वगैरह कर रहे हैं वो भी आपको दिखा दें। बारे 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 बारे
पैसा पैसा से जाकर अच्छा घणी पैसा थे और खोली है पटके यार औरो दे काका आज पटको ये कौन बात हो सही को हूं यार पटके भला खबर को दीदी काकर भाषा में सब ये दुल्हे का वाले साहब है जिसने ये पगड़ी पाई है और रिश्तेदार है सारे ये सारे रिश्तेदार इनके चाचा वगैरह हैं दुल्हे के और दुल्हा साहब मामा है कि झट कौन मारे भाई रे पास ये तो कौन है सिर पूरे वाह वाह ये दुल्हा साहब है इस तरीके से ऐसे सहरे पहने जाते हैं यहाँ पर थरपाकर में डेजर्ट में इस तरीके से देखें तो यहाँ पर दावत थी और दावत हमने अटेंड की और दुल्हे से मिले आपको दिखाया जो यहाँ का जो कल्चर है किस तरीके से पैसे वगैरह हैं वो सारा आपने देखा और हम इनका जो घर है कच्चे घर हैं वो विज़िट करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलो आएँ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो एक ऊँट खड़ा है देखें ये बड़ा माशाल्लाह अच्छा ऊँट है देखें उसके नीचे जो बकरियां वगैरह है और डोंकी भी हैं दो डोंकी भी हैं उसके अलावा ये घर विज़िट करते हैं देखते हैं। चलो आएँ ये बकरा देखें माशाल्लाह अच्छी नस्ल का बकरा है ये बकरियाँ वगैरह हैं ये देखें कच्चा पूरा घर है इनका ये सारी बकरियाँ मैं बताता चलूँ कि जो थरपारकर के जो लोग हैं उन पर उनका जो गुजारा है माल मवेशी पर गुजारा है ठीक है। तो मैं बता चलूँ उनका जो गुजारा है वो माल मवेशी पर है माल सेल करते हैं मंडी में और उसके बाद हफ्ते या एक महीने का जो गुजारा है वो हो जाता है सामान वगैरह लेते हैं। उसके अलावा ये कच्चे घर झोंपड़ियाँ हैं देखें बड़ी झोंपड़ी ये इस साइड में झोंपड़ी है कोठी बनी हुई है इसके अंदर बकरे हैं देखते हैं और ये पूरा घर है देखें और ये कोठी खुलाते हैं इसके अंदर बकरे हैं फिर भी देखते हैं। चलो अच्छा सारे बकरी हैं ठीक है आप ढक दरवाज़ा दे दो सारे बकरी हैं देखें देखें तब्दी तब्दी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा अच्छे घर हैं कच्चे मकान हैं यहाँ पर रहते हैं देखें लोग किस तरीके से रहते हैं यहाँ पर लाइट भी नहीं है पानी पानी है वो भी गधों से भरने भरते हैं और देखो माशाल्लाह हाँ गधों पर पानी उठाते हैं। कितनी दूर जाना पड़ता है आपको 2 किलोमीटर अच्छा 2 किलोमीटर जाना पड़ता है गधों पर जी पानी लेके आते हो अच्छा 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 बकरियों बकरियों के लिए पानी वहाँ से लेके आते कुएं से जी अच्छा अच्छा पानी मीठा है या कड़वा है थोड़ा सा कड़वा है कड़वा पानी है जी हाँ अच्छा अच्छा तो पानी कड़वा है तो ये है इसमें खाना वाना पकाते हैं ये इस पे दरवाजा भी हाँ किचन है मगर ये दरवाज़ा टूटा हुआ है ये बंधा हुआ है रस्सी से और ये बच्चे आए हैं देखने के ये क्या चीज़ है क्या कर रहा है ये घर है ये देखें क्या नाम है कैलाश क्या करते हो पढ़ते हो जी कौन सी क्लास में 4 क्लास में 4 क्लास में भी लो हाँ क्या हाल है बेटा क्या नाम है लक्ष्मण पढ़ते हो ना। नहीं पढ़ते क्यों क्यों नहीं पढ़ते भाई पढ़ता नहीं है ये तो यहाँ पर जो गांव में छोटे छोटे फार्म होते हैं उनमें ये पालक की सब्ज़ी है मूली भी होती है गाजरा भी उगाते हैं तो ये पालक पड़ी थी ये इसका सालन पचाएंगे आज तो शादी लगी पड़ी है आज शायद नहीं पचाएंगे रात के लिए शायद क्या नाम है लालू की है हाँ करो नंदलाल नंदलाल नाम है इसका ये उसका इस छोटे का घर है पूरा ये देखो चलो ठीक है चलते हैं। आपका नाम क्या है मेरा नाम हाकम हाकम नाम है भाई
ये घर है और ये डेजर्ट एरिया की ज़िंदगी है, किस तरीके से यहाँ पर लोग रहते हैं। अजीब शहर में हम तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्रगुजार हैं, किस तरह हर फैसिलिटी है, मगर यहाँ जो गांव के जो लोग हैं किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, पानी के लिए भी तकरीबन 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है और बड़ी मुश्किलात में ज़िंदगी है। कड़वा पानी है, मीठा तो पानी है भी नहीं। तो यहाँ पर दावत थी इस गाँव घर में थी, तो ये दावत विज़िट की, अब वापस का सफ़र है और वो स्टार्टिंग करेंगे, चलेंगे। ये भी कच्चा घर है, देखो ये सामने झोपड़ी है, वहाँ पर दावत थी। ठीक है काका मोती, ठीक है हाँ। तो ये बच्चे सारे शादी में थे, अब नाम बता दें, दोबारा नाम बता दें। नाम क्या? हाँ? नालो की तीर्थ। तीर्थ पढ़ी दो ना। केला? हाँ? केला कौन पड़ी? दाखला ही को थी। दाखला कौन थी? दाखला करा। तो इसका बच्चे का जो नाम है क्या? नालो की तीर्थ। तीर्थ नाम है। अभी स्कूल में ये नहीं पढ़ता, उम्र तो बड़ी है मगर ये पढ़ता नहीं, पता नहीं क्यों, क्या मसला है? इसके जो बटन खुले हुए दादागिर लगा हुआ है। नालो की रेवा चंद, रेवा चंद इसका नाम है। इससे दोबारा पूछा, आपका नाम क्या है? कैलाश। तो आपके दोस्त कौन से हैं? ये दोस्त हैं आपके? ये पढ़ते क्यों नहीं? आपको आप इसको कहो ना ये पढ़े। ये पढ़ते हैं, अभी अभी नहीं पढ़ते, इसकी दाखला हुई है। अच्छा इन दोनों की है। अच्छा उन दोनों की दाखला हुई है मगर स्कूल नहीं जाते। अच्छा अच्छा ये पढ़ता है, इसने कहा मैं। अच्छा ये पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता छोटा? हाँ ये छोटा है। अच्छा अच्छा, कितना आपका ये गांव है या दूसरा गांव है? यहाँ पर है। अच्छा यहाँ पर है, आप पैदल जाओगे? अच्छा चलो चलो ठीक है। यहाँ पर कौन जाति के लोग रहते हैं? भील कबीले के और कोली कबीले के और कौन रहते हैं? और मुस्लिम कोई नहीं रहता? अच्छा अच्छा भील कबीले के रहते हैं। हाँ और मैं बताता चलूँ कि जो ये गांव है तकनी सिटी से 40 किलोमीटर ये गांव है। यहां पर जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो यहां पर नहीं रहती है, यहां पर हिंदू कम्युनिटी रहती है। यहां पर दो जाति के यहां पर लोग रहते हैं। 90% भील कम्युनिटी के जो भील कम्युनिटी है वो रहती है और जो 10% है वो कोली कम्युनिटी रहती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो सारे हिंदू रहते हैं इन गांव में, इस ढाणी में। तो सामने ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है, ये इस साइड पूरा गांव है। और पानी जो मैंने बताया था बड़े बड़े रेत के टीले उसके हिसाब से उसके गांव बड़ा खूबसूरत है। मुझे ये गांव अच्छा लगा अपने हिसाब से। मुश्किलात तो हैं ज़ाहरी, हर पार्कर में हर गांव में मुश्किलात तो हैं, होती रहती हैं, पानी का ज़ाहरी मसला होता रहता है। मुझे ये दिखाना था कि यहां पर जो लोग किस तरीके से जो शादियां करते हैं उनके बाद उन कैसा कल्चर होता है। हर गांव का मुख्तलि डिफरेंट होता है कल्चर। तो ये विज़िट किया, आपको दिखाया। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर दिवाली के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, लंगर बार के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर पड़े हैं, अब्दुल अजीज़ व्लॉग्स पी के चैनल का नाम है। सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा और वीडियो भी विज़िट लाजमी कीजिएगा, वॉच लाजमी कीजिएगा। चलो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमने जुगाड़ किया है कैमरा का, ठीक है, गिर ना जाए, मुझे टेंशन यही है कैमरा गिर ना जाए मेरी। अगर नुकसान हो गया अल्लाह माफ़ी दे, मगर ये देखें रास्ता है ना, वो कहीं पर सही है कहीं पर ऑफ रोड है, ज़्यादा रेत ज़्यादा है। आपको पता नहीं ये रिकॉर्डिंग सही हो रही है, वीडियो नहीं है ना, सही नज़र आ रहा है नहीं। ज़िंदगी